नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशांत मिश्रा। दर्शकों, आज मैं मिलवाऊंगा आपको जम्मू की दबंग गर्ल से। ये वह लड़की है जिसने आउट ऑफ इंडिया जा कर के कराटे की प्रतियोगिता में पूरे जम्मू का और पूरे भारत का नाम रोशन किया। जी, मैं मिलवाना चाहूँगा आपको पल्लवी शर्मा से। पल्लवी, स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में। सबसे पहले तो ब्लैक बेल्ट तक का सफ़र जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। 2002 में मैंने कराटे स्टार्ट किए थे। मुझे कराटे की प्रेरणा मेरे भाई से मिली है, ये मैं हर एक चैनल के माध्यम से आपको बता चुकी हूँ। और मेरी ग्रैंड मदर ने ही मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। आज तक जहाँ पे भी पहुँची हूँ उनकी मदद से पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे, मैं स्कूल में सीखती थी, स्कूल में ही मैंने देख, कोच आते थे गणेश गुप्ता, उन्हीं से स्टार्टिंग मैंने की है। उसके बाद मैंने अम्बेडकर गुप्ता जी से सीखे हैं, अभी तक मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। कोच मेरे अम्बेडकर गुप्ता हैं। और 2002 से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। 2004 में मैं ग्वालियर गई थी नेशनल के लिए। वैसे तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट उससे पहले काफ़ी खेले हैं मैंने। अभी तक मैं 40 मेडल्स जीत चुकी हूँ, जिसमें 32 प्लस ही गोल्ड हैं, मैक्सिमम गोल्ड हैं, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर 40 हैं। तो अवार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा जीत चुकी हूँ, एज अ जज, एज अ ऑफिशियल भी काफ़ी जगह जा चुकी हूँ। बट स्टेट में, EJ&K में ही अभी तक एज ए जज और ऑफिशियल काम कर रही हूँ। पल्लवी, जानना चाहेंगे कि जैसे आपका ये बचपन से ही सपना था कि मेरे को कराटे में जाना है, और क्या क्या सपने थे जो अभी तक आपने पूरे किए? आपने फर्स्ट क्लास से मैं कराटे सीख रही हूँ। बचपन में तो सारे पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, आर्मी में जाए, डिफेंस में जाए, ये सब। हमारे पेरेंट्स ने कभी भी फोर्स नहीं कराया कि बच्चा कहाँ पर जाए। कुछ पेरेंट्स का दबाव होता है बच्चे पे, बच्चे तूने यही नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, ये कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेके KS की तैयारी करनी है। हमें कभी भी ऐसा फोर्स नहीं किया गया है। जो भी किया है खुद ही सोच कर किया है। पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस जगह पे, काफ़ी जगह पे मेरे को हर एक फील्ड में पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे कि मेरे सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ, जो अभी मैं हूँ, और ये था कि चैम्पियन बनूँ, फेम मिले। अभी मुझे आहिस्ता आहिस्ता फेम काफ़ी मिल रहा है। 2012 में मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, अभी मुझे फेम मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बहुत खूब, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है एक अपने सपनों को पूरा करना। आपने सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया, बधाई देते हैं जी जम्मू परिवर्तन आपको तहे दिल से। लेकिन जानना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल रहता है कराटे सीखना? एक तो चलो लड़का है वो तो सीख ही लेगा, वो अपना क्या सेल्फ डिफेंस की बात करें, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें तो लड़कियों के लिए भी अनिवार्य है, लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है, क्या आपको नहीं लगता? हाँ, सेल्फ डिफेंस तो गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आपने पूछा है कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है और लड़कियों के लिए कितनी डिफ़िकल्टीज रहती है। डिफ़िकल्टीज तो काफ़ी रहती है, बट लड़की ये कभी ना सोचे कि जितनी विल पावर, जितनी शक्ति बॉयज़ में होती है उतनी गर्ल्स में भी होती है। लड़की कभी ये ना सोचे कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं करूँगी, तभी आगे पहुंच सकती है। और रही सेल्फ़ डिफेंस की बात, सेल्फ़ डिफेंस जहाँ तक कि मैं बोलती हूँ, हमेशा यही पूछते हो कि गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। सीखना तो बॉयज़ को भी चाहिए, बॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है, बट ये है कि गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अपने आप को इनसिक्योर, सेफ ना समझे, सिक्योरिटी के लिए गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है सेल्फ़ डिफेंस। हर एक को आना चाहिए और सीखना चाहिए। बिल्कुल पल्लवी, जैसे कि मैंने शुरुआती में कहा कि भारत के बाहर गए थे, इंटरनेशनल प्रतियोगिता में आपने पार्ट हिस्सा लिया था, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था आपने। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे अभी तक आपने कौन सी कंट्री में जाकर के गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि भारत की आप एकमात्र ऐसी लड़की हो। गोल्ड्स तो मैंने काफ़ी जीते हैं, बट मैं बताती हूँ, मैं अब्रॉड में एक ही बार जा चुकी हूँ, रशिया में, ताशकंद में। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। ये पेरेंट्स भी अवेयर नहीं हैं इस चीज़ को लेके, स्टूडेंट जो हैं, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स भी अवेयर नहीं हैं इस चीज़ को लेके। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है प्लेयर्स को कि हमने कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है और कहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करना है, ये सबसे ज़्यादा कमी है। ये ज़रूरी है जानना, अवेयर होना। जैसे आप अब कोई भी चीज़ लेते हैं, आजकल तो गूगल, डिजिटल मीडिया काफ़ी चल रहा है, डिजिटल हो गया सब कुछ, आप तो
कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसको सर्च तो ज़रूर करते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ कि कुछ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गेम में पार्टिसिपेट कराने से पहले बच्चे को आप अवेयर होएं, ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ से खिला रहे हैं, बच्चा जो कोच के अंडर है वो कोच फ्रॉड तो नहीं ना है, ये सब देखना ज़रूरी है। मेडल्स की बात करें तो मेडल्स काफ़ी मैंने दिल्ली में काफ़ी जीते हैं, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ सब जा चुकी हूँ। जम्मू में डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स काफ़ी जीते हैं मैंने, हमेशा गोल्ड ही जीती हूँ। वैसे काता एंड कुमीते दो चीज़ें होती हैं कराटे में, बचपन से तो मैं दोनों चीज़ें कर रही थी। काता होते हैं कि डेमो फाइट, और कुमीते होते हैं इंडिविजुअल फाइट ओपोनेंट के साथ जो आप लड़ते हो, और जो काता होता है वो शेडो फाइट अकेले इंडिविजुअल ने करना है। उन दोनों में मैं पार्टिसिपेट करती थी और दोनों में जीतती थी। जैसे कि मैंने कहा कि अब्रॉड गई थी, आपने बताया रशिया में गई थी, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बात को लेकर के। हाँ, यही मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। पहली बात तो मुझे पेरेंट्स की, फैमिली की, रिलेटिव्स की काफ़ी सपोर्ट रही है। कुछ पर्सनस होते हैं जो डीमोरलाइज करते हैं पेरेंट्स को, कुछ पर्सनस होते हैं कि बोलते हैं कि ये लड़की है, ये लड़की को इतनी दूर क्यों भेज रहे हो, आपने अपना खर्चा करना है। ये पेरेंट्स बड़ी जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, बट मेरी फैमिली में कुछ ऐसा नहीं आया। उन्होंने मुझे दूर अपने खर्चे पे, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं रही तभी भी उन्होंने मुझे, कुछ संस्थाओं ने जो मुझे स्पॉन्सर करा उनके बलबूते, और मैं अपने पेरेंट्स के बलबूते यहाँ पर पहुँची, बाहर अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने गई। फर्स्ट टाइम था जो फर्स्ट गर्ल गई है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश थी। लेकिन ठीक है, जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कभी आपको प्रोत्साहन दिया, कभी आपको पीठ में शाबाशी दी कि नहीं चलो एक लड़की होने के नाते आपने जम्मू की हो अब्रोड जा करके पूरे देश का नाम रोशन किया? क्या बताना चाहोगे कि गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया आपको, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल भी नहीं कुछ किया, उल्टा पंजाब गवर्नमेंट मुझे स्पॉन्सर कर रही थी। वो कह रहे थे हमारी स्टेट से पार्टिसिपेट करो तो हम आपका खर्चा उठाएंगे, बट हमने सोचा है कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए हिस्ट्री क्रिएट की है तो जम्मू कश्मीर से ही खेलेंगे, और कहीं पर मैंने स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं लिया, बाकी सपोर्ट तो मुझे गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं रही। दर्शकों, कितने ताज्जुब की बात है, एक प्लेयर बनना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि एक प्लेयर को तैयार करना, आर्मी पर्सन को तैयार करना एक समान रहता है, लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट के कानों तक खबर ही नहीं है कि जी एक कोई एक लड़की है जो कि अब्रॉड में जा करके अपने पूरे जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन किया है। बहुत ही ताज्जुब की बात है। एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे तमाम सारी लड़कियों को या जो भी कराटे में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलती हूँ, मैं हमेशा से ही ये बोलती हूँ कि ज़रूर नहीं है कि आप कराटे ही करो, सेल्फ डिफेंस तो ज़रूर आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में काफ़ी डिफरेंस है। एक गेम होती है मार्शल आर्ट के अंदर भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कराटे, जूडो, टाइकमांडो, ये सब डिफरेंस है। तो ये है कि आप ज़रूर, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स सोचते हैं कि कराटे है, कराटे में लगेगी, हम अपने बच्चे को इसी वजह से बच्चे को आगे नहीं लाते हैं कि हमारे बच्चे को लग जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो गेम है, गेम में टेक्निक्स होती हैं जिनमें सिर्फ टच एंड बैक करना होता है, कहीं पे नहीं लगती है। और रही सेल्फ डिफेंस की बात, सेल्फ डिफेंस अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो बच्चा मार्शल आर्ट्स करेगा, सेल्फ डिफेंस करेगा, वो ज़रूर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो यही बोलना चाहती हूँ पेरेंट्स को, ज़रूर नहीं है, आप कराटे ही कराओ। कोई भी गेम में बच्चे को कोई नशा करवाना है तो छोटे होते सही कोई गेम में, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि आपका बच्चा गलत राह पर कभी ना जाए। शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी इंटरनेशनल प्लेयर, कराटे की इंटरनेशनल प्लेयर पल्लवी शर्मा, जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया और कहा कि किस तरह से आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कराटे के चलते, आप अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। दर्शकों, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ नमस्कार।